हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्च को होने वाले स्मैकडाउन लाइव के फुल प्रीव्यू के बारे में। और गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन के लिए WWE ने 2 मैच पहले से ही कंफर्म कर दिए हैं, जिसमें से एक मैच तो है स्टील केज मैच। और भी हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा, काफी इंटरेस्टिंग स्मैकडाउन रहने वाली है। फास्टलेन पेपर वी के लिए मैच अनाउंस होंगे, और क्या एज भी आते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, रोमन रेंस और एज का कन्फ्रंटेशन होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्मैकडाउन पर, सब इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके एक प्यारे से लाइक से। और सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैच WWE ने कंफर्म कर दिया, यह है फीमेल डिवीजन से। और गाइस, यहां पर बियांका ब्लेयर फेस करेंगे साइना बेजलर को। यह कोई टाइटल मैच नहीं है, नॉन टाइटल मैच, सिंपल मैच है। और गाइस, यह मैच इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि फास्टलेन पेपर वी के लिए WWE ने एक वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच कंफर्म कर दिया, नाया जैक्सन साइना बेजलर का बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स से, जो कि एलिमिनेशन चैंबर मैच में हमें देख चुके हैं। और WWE को इसको दिखाने का दोबारा रीजन यही है कि वो दोबारा बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स को हरवाएगी, और उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स के बीच में फ्यूड देखने को मिलेगी। पर नेक्स्ट इस मैच पर कौन जीतता जाता चांसेस हैं यहाँ पर बियांका ब्लेयर के नहीं, साइना बेजलर के जीतने के हैं। इसके अलावा गाइस, एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरीलाइन हमें देखने को मिल रही है वो है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और गाइस, अपोलो क्रूज को WWE यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही है। अपोलो क्रूज ने शिंसुके नाकामुरा को धोया, और इसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि जब अपोलो क्रूज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देंगे तब दोबारा बिगी रिटर्न करेंगे और अटैक करेंगे, डोमिनेट करेंगे अपोलो क्रूज को। उसके बाद फास्टलेन पेपर के लिए WWE बिगी वर्से अपोलो क्रूज का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच कंफर्म कर सके। तो पॉसिबली हमें नेक्स्ट स्मैकडाउन पर बिगी फिर से रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं और वो अटैक कर सकते हैं अपोलो क्रूज पर। इसके अलावा गाइस, सेथ रॉलिंस और सिजारो की फ्यूड के बारे में बात करें तो पिछले हफ्ते सिजारो ने सेथ रॉलिंस के साथ किया, उसके बाद तो सेथ रॉलिंस का भाई 3-4 महीने तक उठ पाना बिस्तर से मुश्किल है। सिजारो ने इतना तगड़ा स्विंग लगाया था सेथ रॉलिंस को, तो क्या आप सेथ रॉलिंस बदला लेंगे, सेथ रॉलिंस का बदला लेने आएंगे नेक्स्ट स्मैकडाउन पर? और यहां तो पक्का है कि भाई सिजारो और सेथ रॉलिंस की फ्यूड रहनी है, पर ये WWE मैच कब के लिए प्लान करे, क्या फास्टलेन पेपर के लिए या फिर रेसलमेनिया 37 के लिए? पॉसिबली हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। पर अब नेक्स्ट स्मैकडाउन पर क्या होता है भाई, सेथ रॉलिंस का क्या स्ट्रॉन्ग दिखाने वाली है WWE, ये स्टोरीलाइन भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा गाइस, जो एक बड़ा मैच कंफर्म किया है WWE ने वो है स्टील केज मैच। यहां पर डैनियल बैन फिर से एक बार फेस करेंगे जे उसो को, और इस बार ये स्टील केज मैच है, यानी कि हमें कोई सीरियसली जरूर विनर देखने को मिलेगा। और गाइस, यहां पर अगर डैनियल बैन जीत जाते हैं तो उन्हें फास्टलेन पेपर में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर डैनियल बैन हार जाते हैं तो वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लेंगे एज ए ट्राइबल चीफ। तो यहां पर डैनियल बैन का हारना तो बिल्कुल भी बनता नहीं, हमें रोमन रेंस और डैनियल बैन की फ्यूड आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी फास्टलेन पेपर वी के लिए। और इस मैच में भाई हराने वाले हैं क्लियरली डैनियल बैन जे उसो को। पर गाइस, मैच के बाद क्या, मैच के बाद हमें फिर से क्या रोमन रेंस अटैक करते हुए दिखाई देंगे डैनियल बैन पर? यहाँ पर डैनियल बैन अटैक कर सकते हैं रोमन रेंस पर। गाइस, यहाँ पर डैनियल बैन को भी WWE को स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा, एक पोटेंशियल अपोनेंट दिखाना पड़ेगा रोमन रेंस का। तो यहाँ पर एज मदद कर सकते हैं डैनियल बैन की, क्योंकि गाइस हमें एज पिछले 2-3 हफ्तों से इस स्मैकडाउन पर देखने को मिल रहा है, और पिछले हफ्ते एज और डैनियल बैन के बीच में हमें बैकस्टेज सेगमेंट भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर भाई एज का मदद करना बनता है डैनियल बैन का, और अगर यहाँ पर डैनियल बैन रोमन रेंस और जे उसो के आगे वीक पड़ते हैं तो एज जरूर मदद करने आएंगे डैनियल बैन की। तो गाइस, पॉसिबली हमें फास्टलेन पेपर वी के लिए एक और मैच अनाउंस होता दिखाई देगा, जो कि होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस वर्सेस डैनियल बैन का। तो काफी इंटरेस्टिंग स्मैकडाउन रहने वाले हैं, इसके बाद सिर्फ 2 स्मैकडाउन हमें देखने को मिलेंगे फास्टलेन पेपर से पहले। तो गाइस, नेक्स्ट स्मैकडाउन पर हमें सब सारे सेगमेंट और मैचेस तो हमें देखने को मिलेंगे, इसके अलावा काफी कुछ दिखाने वाली है WWE, तो नेक्स्ट स्मैकडाउन बिल्कुल भी मिस मत करना। और गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो फिर लाइक भी कर देना यार। और गाइस, आप जरूर कमेंट करके बताना कि आप रोमन रेंस को एज का कन्फ्रंटेशन देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्मैकडाउन पर। और अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल पे सेट कर लेना, जिससे कि हर वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें अपना।